नहीं है। जादू ऐसा कर डाला, ना होश किसी ने संभाला, तेरा नहीं तेरा कोई दोष दोष, तेरा हुस्न ही जबरदस्त दस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, मैं चीज बड़ी हूँ मस्त। हलफ देने के बाद कि आज के बाद मैं वन व्हीलिंग नहीं करूंगा, रेस नहीं लगाऊंगा, बावजूद हलफ देने के बावजूद चैनल आई साहब 15 दिन पहले भी रेस में पकड़े गए, भाग निकले गाड़ी शाड़ी फेंक के, और 2 दिन पहले जुमेरात को जब मैंने कार्रवाई की 10 बंदे गिरफ्तार की तब भी ये रेस में शामिल था, और आज फिर बरोज आज संडे रात को ये रात 12 से 1 के दरमियान ये फिर जो ना वन व्हीलिंग करता हुआ और तेज रफ्तारी में गफलत लापरवाही से मोटरसाइकिल चलाता हुआ अपनी हरकतों से बाज नहीं आए चैनल आई साहब, और आज इनको जो ना हमने अरेस्ट कर लिया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आज के बाद इस कार्रवाई के बाद आप क्या कहेंगे कि आज के बाद फिर दिल करेगा आपका वन व्हीलिंग करने को या रेस लगाने को या इस तरह की हरकत करने को, करेंगे दोबारा? क्यों इस तरह करते हैं मुझे ये बता दें कि क्या वजह है, क्या ऐसी आदत पड़ गई आपको कि आप बार बार ये काम करते हैं? कोई आदत है या आपकी रोटी हजम नहीं होती, क्या मसला है? तो बता सकते हैं वजह कि सर ये वजह है, इस वजह से मैं भाग नहीं आता। कोई एहसास है आपको, शर्मिंदगी हो रही है कि नहीं हो रही इस उम्र में? शर्मिंदगी हो रही है तो फिर भाग क्यों नहीं आते? हमने आपको 3-4 दफा वार्निंग दी बताएं, दी है ना वार्निंग, आपने हलफ दिया रमजान में, फिर भी बावजूद इसके आप बाज नहीं आए, क्यों ऐसा करते हैं? इसका ही ख्याल कर ले। नाज़रीन, इस बंदे को हमने इस उम्र में वार्निंग भी दी, हर तरह का कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की कि ये सुधर जाए, लेकिन ये बाज नहीं आए, और इंशाल्लाह ये हवालात में जा रहे हैं। Thank you.